आज फिर मैं आपको एक आर्टवर्क, न्यू काइंड ऑफ आर्टवर्क सिखाने वाली हूँ। और आर्टवर्क में मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई तरह की बॉटल आर्ट। अभी तक मैंने जितनी भी आपको बॉटल आर्ट सिखाई हैं, और हमेशा एक्रेलिक से या जूट रोप से या और चीज़ों से सिखाई हैं, लेकिन अभी मैं आपको जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह की बॉटल आर्ट सिखाती हूँ। तो उसके लिए पहले मैं आपको थिंग्स बता देती हूँ विच आर रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए। सबसे मेन थिंग कि हमें एक बॉटल चाहिए, किसी भी तरह की बॉटल ले सकते हैं इस तरह, तो किसी भी तरह की आप बॉटल ले सकते हैं। और अगर आप चाहें और आपके पास नहीं है कुछ भी, बॉटल भी नहीं है, तो आप जैम के जार आते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बॉटल की बात। इसके अलावा हमें एक चाहिए ग्लास मार्किंग पेंसिल, आप देख सकते हैं ये इस तरह की आती है, ये आपको स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी, क्राफ्ट स्टोर्स पर मिल जाएगी इजीली, ग्लास मार्किंग पेंसिल, ठीक है। और एक स्केल अगर चाहें आप, तो अगर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, ज्योमेट्रिकल है या लाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो। और एक है ये हमारे पास ग्लास कलर्स, ठीक है। तो क्योंकि ग्लास की बॉटल है तो आज हमें सीखना है ग्लास कलर से। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि ये आता है एक आउटलाइनर, इसके अंदर ही होता है 3D आउटलाइनर जिसको बोलते हैं। ये मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरह का आउटलाइनर होता है, ये ब्लैक कलर का है। और अगर आपको अलग से चाहिए, भावना, हेलो भावना, अगर आपको अलग से चाहिए तो स्टेशनरी शॉप पर या क्राफ्ट स्टोर पर और बहुत कलर में मिल जाते हैं, लेकिन इस पैकेट में सिर्फ ब्लैक कलर का आता है। और साथ में ये एक नोजल दिया हुआ होता है, ये आपको यहाँ से निकालना है टिप, और उसके बाद हमें इसका यूज करना है। ये एक मिनट खोलना, रुको, ये खुल गया है। तो ये इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं ये आगे पॉइंट होता है, यहाँ पर एक होल है, तो हम यहाँ से कलर निकाल कर हम काम करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको कुछ कलर्स इसके दिखा देती हूँ कि ये इस तरह के इसके ये ग्लास कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में। इस पैकेट में ना 10 शेड्स आते हैं, और अलग से लूज भी आपको मिल जाते हैं, मिल जाएंगे अगर आप चाहें तो। और अगर आपके पास कोई खाली बॉटल है और आप कलर मिक्सिंग करना चाहें, अगर आपको मिक्सिंग आती है कि हमें कलर मिक्सिंग कैसे करनी है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा दो कलर मिलाकर एक कलर हम बना सकते हैं मिक्स करके, ठीक है। तो अब ये तो हो गई हमारी कलर की बात, और ज़्यादा चीज़ों की इसमें हमें क्योंकि ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब हम बताते हैं कि हमें इस पर डिज़ाइन हमें कैसे ड्रॉ करना, करेक्ट। एक सेकेंड आप रुकेंगे, हमें स्केल लेना है, क्योंकि मेरी बॉटल कुछ इस तरह की है, यहाँ से भी ना ये स्क्वायर शेप में है, तो यहाँ पर भी इस तरह का जा रहा है। तो हमने बॉटल के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन लेते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप उसमें कुछ भी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ले सकते हैं, कुछ लीव्स बना सकते हैं, स्क्वायर्स बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। तो अभी हम मुझे क्या इसमें डिज़ाइन समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर एक ऐसे रेक्टेंगल बनाऊंगी, ठीक है, और यहाँ पर कर्व दे दूंगी, ठीक। तो वो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए हम फ्री हैंड नहीं चला सकते हैं, क्योंकि लाइन टेढ़ा मेढ़ा होने का डर होता है, तो उसके लिए हमें स्केल चाहिए होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये यहाँ पर मैंने स्केल रखा है, क्योंकि दोनों चीज़ें ट्रांसपेरेंट है तो आपको नहीं समझ में आ रहा हो। ये हमने यहाँ पर स्केल रखा है, और इस पेंसिल से हमें लाइन बनानी है, और ये पेंसिल का जो टिप होता है आगे का, ये थोड़ा सा ना डेलिकेट होता है, तो हम इसको ज्यादा पुश नहीं कर सकते, अदरवाइज ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पर मैंने दो लाइन बनाई है, एक बॉटम में बनाई है, और अब हमें यहाँ ऊपर, क्योंकि बॉटल में कर्व है तो हमें यहाँ पर भी कर्व देना। ये तो आप फ्री हैंड बना सकते हैं, थोड़ा सा हाथ सेट होने वाली बात है, ये हम इजीली बना सकते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा एक स्लिपिंग लाइन जैसी यहाँ पर है, दो स्टैंडिंग लाइन है, और यहाँ पर कर्व है। बॉटल पर आप अपने अकॉर्डिंग इस पेंसिल से डिज़ाइन बना सकते हैं, नॉर्मल पेंसिल बॉटल्स पर नहीं चलेगी, तो ग्लास मार्किंग पेंसिल आती है वो हम लोग यूज़ करेंगे, और डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि सिर्फ
नॉर्मल जो लीफ वाला डिजाइन होता है, आप चाहें तो किसी भी तरह का बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिस भी डिजाइन पर आपका हाथ सेट हो आप वही डिजाइन बनाइए। ये अगर आपको नजर आ रहा है, एक बार मुझे बताओ कि आपको विजिबल हो रहा है। ये मैंने लीफ बनाई है, एक बार मुझे कोई लिखकर बताए कि हाँ ये विजिबल हो रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार बताएंगे मुझे। कंचन, श्वेता, भावना, आ रहा है नजर? यस, ठीक है ठीक है, ओके। अब इसी तरह से आपको इस पर डिजाइन बनाते जाना है। अगर आपकी बॉटल का डिजाइन, बॉटल कुछ राउंड शेप में है तो आप उसमें सिर्फ सर्कल सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। आप खाली स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन बनाकर, थैंक यू भावना, श्वेता, पारुल की नजर आ रहा है, स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन बनाकर सिर्फ आप स्क्वायर्स बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना, जो भी डिजाइन है, मतलब आपकी अपनी चॉइस पर है। तो मुझे लगा कि ये इजी है तो मैं आपको इसी पर ट्राई करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कुछ मैंने पेटल्स टाइप बनाया है, ठीक है। हमने ये डिजाइन बना लिया, अभी सारे तरफ नहीं बताऊंगी मैं, सिर्फ आपको एक ही तरफ करके बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए। शायद ऐसे नजर आएगा, हाँ ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा रोल आता है जो पैकेट में हमारे साथ पास था, 3D आउटलाइनर, ठीक है। अब हमें 3D आउटलाइनर करना है, जो डिजाइन मैंने बनाया है, ठीक है, उसकी आउटलाइन हमें पहले करनी है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बाकी पेंटिंग्स में हम लोग क्या करते हैं, पहले कलर फिल करते हैं फिर आउटलाइन करते हैं, लेकिन इसमें हमें उल्टा करना है, पहले हमें आउटलाइन करनी है एंड देन फिल द कलर। इसको बहुत आराम से आपको खोलना है। इसके साथ ना क्या होता है, इसका ऊपर का ढक्कन आता है और ये नेजल अलग से आती है, तो वो ढक्कन हटाकर हमें ये लगाना होता है। अब हम इस पर आउटलाइन करते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये आउटलाइनिंग तो मैंने कर ली, ठीक है। अब अंदर जो हमने पेटल्स बनाई है उनकी भी हमें आउटलाइन करनी है। सबसे पहले सारी आउटलाइन ही हमें कंप्लीट करनी होती है। अब आपको इजीली नजर आ रहा है, ये देखिए कैसा लग रहा है अभी, इतना नजर आ रहा है ना डिजाइन। एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करें डिजाइन नजर आ रहा है कि मैं थोड़ा सा डायरेक्शन और चेंज करूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो हमें इसको ना पहले सूखने देना होता है, जब तक ये आउटलाइनर सूखेगा नहीं हमें आगे का कलर नहीं करना, क्योंकि कलर मिक्स हो जाएगा। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें कलर करना है, ठीक है। इट्स विजिबल, ओके, थैंक यू। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। आपको ये कलर की बॉटल लेनी है, ओपन इट, नो नीड टू टेक एनी ब्रश, हमें ब्रश नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग बॉटम से स्टार्ट करते हैं और सिर्फ हमें इसके ऊपर रखकर थोड़ा थोड़ा सा रब करना है, हल्के हल्के हाथ से हमें
कलर को निकालना है। वैसे देखना आप, ये कलर अपने आप से ही निकलेगा, इसमें आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा एक बार में ना निकल जाए, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर मैंने किया, क्योंकि मैं ज्यादा इसको सीधा नहीं करूंगी, अदरवाइज ये कलर सारा बह जाएगा। दिख रहा है रेड कलर इसमें मैंने अंदर फिल किया है, ठीक है। अभी हमने रेड कलर लिया है, अब हम ले रहे हैं ग्रीन कलर। आप देख पा रहे हो तो देखिए मैंने ग्रीन कलर भी इसमें कर लिया। दूसरा ना करें, सबसे पहले आप अगर आउटलाइन कर रहे हैं, आउटलाइन करके छोड़ दें उसको लगभग आधे घंटे के लिए, 15-20 मिनट के लिए, जब तक आप देख लें कि सूखा या नहीं सूखा। तो उसके बाद, सूखने के बाद ही फिर आप नेक्स्ट कलर करें। अगर एक ही कलर आपने किया, रेड कलर किया है, तो उसको सूखने दें, उसके बाद आपको दूसरा कलर करना है, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको आगे, मैंने आपको बता दिया है कि करना कैसे है, ठीक है। तो इसको अभी हम सूखने देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कलर करते हैं, अदरवाइज ये सब मिक्स हो जाएगा। तो इसको मैं अभी रखती हूँ साइड, और आपको जो फाइनल बनी हुई बॉटल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि लाइट इसमें अंदर ब्लिंक हो रही है। तो ये अपने आप में कितनी सुंदर अंदर से शाइन करती हुई दिख रही है। होम डेकोर जो मैंने आपका बनवाया है, लैम्प शेड बोल सकते हैं आप, फ्लावर पॉट बनाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, और ग्लास कलर में अपने आप में ही इतनी शाइनिंग होती है, और दूसरा हमने इसके अंदर लाइट डाली है तो ये और ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को एक बार ज़रा हैंड रेज करके बता दें किस किस को पसंद आया और कौन कौन बनाने में इंटरेस्टेड है। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है बनाने में तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, ठीक है। तब तक हम देखते हैं कि हमारी ये जो हम बना रहे थे ये हमारी सूखी या नहीं सूखी, क्योंकि इसको सूखने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया है, ठीक है। तो इसको मैं करूँगी बाद में कंप्लीट, जब ये इसके कलर सूख जाएंगे, क्योंकि यहाँ दो कलर मिक्स भी होने लगे हैं, क्योंकि कलर बह गया है, कलर करते ही मैंने इसको सीधा कर दिया तो ये बह गया है। तो ये हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ होम डेकोर हमारा बन गया है, सानिया राठौर। हेलो सानिया, पारुल आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच। और मैं तो बोल रही हूँ कि दिवाली का टाइम है, दिवाली आने वाली है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम अपने घर के ही वेस्ट मटेरियल से बनाकर अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें मार्केट जाना है और वहीं से हमें सुंदर सुंदर शोपीस लाने हैं, हम अपने घर को अपनी क्रिएटिविटी से और खूबसूरत बना सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो आप बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक अलग तरह का आइडिया दिया है बनाने के लिए। बॉटल के लिए मैंने तब पहले भी बताया था कि बॉटल हम किसी भी तरह की यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉटल होनी चाहिए, आप छोटी बॉटल पर भी पहले ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि ग्लास कलर एक्रेलिक कलर जैसे नहीं है, वाटर कलर जैसे नहीं है, थोड़े डिफरेंट हैं, बहुत फ्लोई है, ये बहुत जल्दी से बह जाते हैं, तो पहले छोटी बॉटल पर ट्राई करें, उसके बाद फिर आप बड़ी पर बनाएं। और सबसे पहले जब ट्राई करें तो बहुत ही ना ईजी डिज़ाइन लेना, जैसे कि मैंने बताया था, ये भी मैंने वैसे तो ईजी लिया है, इसमें कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, लेकिन आप स्टैंडिंग स्लिपिंग लाइन वाला ले लेना तो वो बहुत ईजी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक। आप बनाएं ऐसा, अपने घर को सजाएं, बनाएं और मुझे दिखाएं। इफ़ एनी काइंड ऑफ नीड, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। ओके, बाय, गुड नाइट।